दोस्तों कहने को तो मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया है और पिछले कुछ वर्षों में हमने तकनीक और विज्ञान की मदद से कई अद्भुत कारनामे किए हैं। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी मानव समझ से परे एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन पर विज्ञान की दीप्तिमान प्रगति के बावजूद मनुष्य अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। तो दोस्तों इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के चलते फिरते पत्थर। तो दोस्तों क्या आप पत्थरों के अपने आप चलने की घटना पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा पर स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क की सूखी झील की सतह पर पत्थर अपने आप एक कोने से दूसरे कोने चले जाते हैं। और दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा के दबाव के कारण ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि इंसान से ज्यादा वजन वाले इन पत्थरों के खिसकने के पीछे जरूर कोई राज है। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो नासा भी इस फिसलने वाले पत्थरों के रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाया है। हालांकि पत्थरों के अपने आप हिलने की इस घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन इसके खिसकने से बने निशान झील की सूखी सतह पर साफ देखे जा सकते हैं। और दोस्तों दूसरे रहस्य की अगर हम बात करें तो मीट की बारिश। दोस्तों क्या आपने कभी मीट की बारिश होते देखा है या आपने किसी से इसके बारे में सुना है? जी हाँ, आपको शायद यकीन ना हो लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना है जो निसंदेह घटी है और इसे काउची मीट सॉवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काउची मीट सॉवर 3 मार्च 1876 को बाथ काउंटी रैंकी में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कई मिनटों की घटना थी जिसमें आसमान से मांस की बारिश हुई थी। फिर क्या था, बाथ काउंटी के लोगों ने मांस बटोरना शुरू कर दिया और ढेर सारा मांस इकट्ठा किया। वहां के लोग बताते हैं कि मांस के इन टुकड़ों की लंबाई 3 से 5 इंच के थी और ये मांस खाने में बहुत ही साफ और बहुत स्वादिष्ट थे। इस घटना की जांच की गई तो जांचकर्ताओं ने बताया कि मांस के ये टुकड़े नवजात घोड़े के मांस के हैं। हालांकि मांस के सटीक प्रकार की पहचान कभी नहीं की गई थी। और दोस्तों रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि यह मांस मेमना, हिरण, भालू, घोड़ा या यहाँ तक कि मानव का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह बारिश कहां से हुई, यह मांस असल में किसका था, यह आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 6 इंच का मानव कंकाल का पाया जाना। दोस्तों क्या आप सिर्फ 6 इंच छोटे इंसान की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का अजीबोगरीब मानव कंकाल मिला था, जहाँ कुछ लोग इसके मजबूत दांतों और शरीर पर बने धारियों को देखकर इसे मानव कंकाल बता रहे हैं। वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं का दावा है कि यह कंकाल हजारों साल पहले मानव डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया एक अन्य जीव है। और दोस्तों यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर यह कंकाल किसका है। खैर, विज्ञान को चुनौती देने वाला यह कंकाल आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। और दोस्तों चौथे रहस्य की अगर हम बात करें तो डांसिंग प्लेग। दोस्तों क्या कोई व्यक्ति इस हद तक नाच सकता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए? जी हाँ, भले ही यह आपको अजीब लगे लेकिन इतिहास में ऐसी ही अजीबोगरीब घटना घटी है। और दोस्तों 1518 शताब्दी में रोमन शहर में डांसिंग प्लेग के रूप में जानी जाने वाली एक अजीब नृत्य बीमारी फैल गई। एक दिन अचानक इस शहर में 400 लोग नाचने लगे और वे एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक नाचते रहे और इनमें से कई लोगों की मौत थकान, दिल का दौरा और नसों के फट जाने से हुई थी और इस बीमारी के कारण को आज तक नहीं समझा जा सका और यह आधुनिक युग में भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7 एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।